कर्ज घोटाले मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। जी हाँ, इसके साथ ही कोर्ट ने सीबीआई को जमकर लताड़ भी लगाई है। अदालत से जमानत मिलने के बाद मंगलवार को वे जेल से बाहर आ गए हैं। कोचर दंपत्ति को एक दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। कर्ज घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद चंदा कोचर मुंबई की बाइकुला महिला जेल और उनके पति दीपक कोचर आर्थर रोड जेल में बंद थे। सीबीआई ने दोनों की बीती 23 दिसंबर 2022 को वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले में गिरफ्तार किया था। साल 2019 सीबीआई ने वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाले मामले में यह पूरा मामला दर्ज किया था। कोचर दंपत्ति पर आरोप था कि चंदा कोचर के कार्यकाल के दौरान आईसीआईसीआई बैंक ने उन कंपनियों के खाते में 3,225 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा दी थी जो कि नियमों के पूर्णतया खिलाफ था क्योंकि वे कंपनियां प्रतिबंधित थीं। आरोप यह भी है कि वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी नुपावर रिन्यूएबल्स में अपनी कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 64 करोड़ रुपए का निवेश किया था। साथ ही सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दीपक कोचर की प्रबंधन वाली पिनिकल एनर्जी ट्रस्ट को साल 2010-12 के दौरान ट्रांसफर किया गया था। देश और दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।